सो हेलो गाइस, कैसे आई होप लोग कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अगर आप टिकटॉक यूज करते होंगे तो एक वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है टिकटॉक पे, कुछ इस तरह का वीडियो, बत्तख वाला, जैसे आदमी जंप करता है तो ट्विंग ट्विंग की आवाज़ आती है। सो गाइस, इस तरह का वीडियो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा। उससे पहले गाइस मैं बता दे रहा हूं, इस वाले वीडियो पे 8 मिलियन व्यू आ गए हैं और 5 लाख लाइक आ गए हैं। सो गाइस, समझ सकते इस तरह का आपको वीडियो बहुत ही बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक आपकी वीडियो वायरल नहीं हुई है टिकटॉक पे और मिलियन में लाइक और व्यू पाना चाह रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो आपको बनाना है। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है, मैं पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा गाइस। तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो गाइस, हो सके वीडियो को अभी का भी लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको तीनों वीडियो कुछ इस तरह का शूट कर लेना है, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस, काइन मास्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर मेरा वाला काइन मास्टर चाह रहे हैं तो ये मेरी इंस्टा आई डी मेरे को यहाँ से फॉलो कर लें, मैं यहाँ से अपना वाला काइन मास्टर आपको दे दूंगा। गाइस, यहाँ से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है, जो बीच वाला रेशियो दिख रहा है टिकटॉक का 9:16 रेशियो, आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना है। गाइस, क्लिक करने के बाद आपको काइन मास्टर को कुछ इस तरह का ऐसे इंटरफेस दिख जाएगा। सो गाइस, यहाँ से आप जितने पार्ट में अपनी वीडियो शूट किए रहेंगे वो वीडियो ले लेंगे, तो वीडियो लेने के लिए आपको यहाँ से मीडिया वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और यहाँ से मैं अपना जितना भी वीडियो में जितने पार्ट में वीडियो शूट किया हूँ मैं वीडियो में ले लेता हूँ। सो गाइस, देख लेंगे यहाँ से मैंने तीनों वीडियो ले लिया। सो गाइस, सबसे पहले इन सभी वीडियो का हम स्लो मोशन कर लेंगे, तो स्लो मोशन करने के लिए यहाँ से वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्पीड वाले में जाना है, और यहाँ से इसको स्क्रॉल करके सबसे यहाँ से आगे लेके आएंगे 0.25 पैसे लाएंगे, लाने के बाद ओके पैसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम अपना जो सेकेंड वाला जो हम लोग का वीडियो है इस पर क्लिक कर देंगे, और फिर से हम लोग स्पीड में चलेंगे और 0.25 पैसे कर देंगे, तो इसको पकड़ के हमें कुछ यहाँ से स्लो मोशन कर देना है सबसे लास्ट पे। गाइस, करने के बाद यहाँ से इसको भी क्लिक कर देंगे तीसरे वाले वीडियो पे, और यहाँ से स्पीड में चलेंगे और यहाँ से 0.25 इसको कर देंगे सबसे स्टार्टिंग वाले पे। करने के बाद यहाँ से गाइस, यहाँ से हम लोग का एक चीज़ हो गया। सो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ से जितना आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको डिलीट कर देना है, तो वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देना है, कैची के ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। गाइस, करने के बाद ओके पर ऐसे क्लिक कर देंगे। गाइस, यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप स्काई में जैसे उड़ते रहेंगे, जैसे जब तक आपका पैर हवा में रहेगा वही वाला पार्ट को आपको रखना है, जैसे आपका पैर जमीन पे आ रहा है यहाँ पे फर्श पर आ रहा है तो आपको उस वाले पार्ट को आपको डिलीट कर देना है। सो गाइस, कैसे करना है चलिए मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से ऐसे उड़ रहा हूँ, यहाँ से उड़ने के बाद जैसे मेरा अभी पैर स्काई में है, ऐसे मैं उड़ रहा हूँ यहाँ से, और जैसे मेरा पैर यहाँ से देख रहा हूँ कि मेरा जो पैर है यहाँ से जमीन पर आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने के बाद देख लें कुछ इस तरह हो गया। सो गाइस, जैसे मैं यहाँ से ऐसे जमीन पर ऐसे आ गया हूँ यहाँ से, और आने के बाद जैसे मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये वाला हमें जो पार्ट है इसको डिलीट कर देना है, तो डिलीट करने के लिए ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। गाइस, इस तरह फिर मैं यहाँ फिर ऐसे उड़ने की फिर इस तरह उड़ने की ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से, तो थोड़ी जो हमारी कुछ बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेंगे यहाँ से। तो करने के बाद देख लें कुछ इस तरह का है, जैसे फिर मैं उड़ने की ऐसे कर रहा हूँ यहाँ से, फिर जैसे मैं नीचे आने वाला हूँ यहाँ से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देना है, और करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो पर ऐसे क्लिक करने के बाद कैची वाले ऑप्शन पर जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। गाइस, करने के बाद जैसे फिर से आप जमीन पर ऐसे आ जाएंगे, और आने के बाद जैसे उड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हम लोग का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से जमीन वाला उसको हम डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। सो गाइस, आपको कुछ इस तरह का ऐसे वीडियो आपको, जैसे मैं फिर यहाँ से उड़ रहा हूँ ऐसे, तो आपको इसको रहने देना है, फिर यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, और करने के बाद फिर जैसे मेरा पैर जमीन पर ऐसे आ रहा है यहाँ से आने के बाद मैं इसको फिर से इसको डिलीट कर दूंगा ये वाला पार्ट, तो आपको यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। सो गाइस, इसी तरह आपको सारा वीडियो इस तरह से करना है, तो चलिए मैं जल्दी से करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है, क्योंकि मैं स्लो करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइस, देख लेंगे मैंने सारा वीडियो किस तरह कर लिया हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को हम अपने गैलरी में सेव कर लेंगे, तो सेव करने के लिए यहाँ शेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, और जाने के बाद यहाँ से अपना रेशियो मेंटेन करने के बाद एक्सपोर्ट पैसे क्लिक कर देंगे। सो गाइस, कि कुछ इस तरह का ऐसे हम लोग का वीडियो सेव हो जाएगा। गाइस, इसके बाद फिर समझो अभी इसको सेव किया इसी वीडियो को फिर से काइन मास्टर ओपन करके फिर से इसके बाद हम लोग एडिटिंग करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सो गाइस, फिर से हम लोग काइन मास्टर ओपन करेंगे और 9:16 रेशियो पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद अभी जो मैं वीडियो गैलरी में सेव किया हूँ मैं वीडियो ले लूँगा, तो यहाँ से हम लोग मीडिया वाले ऑप्शन में चलेंगे, और यहाँ से जो मैं अपनी वीडियो अभी एडिट करके गैलरी में सेव किया हूँ उसको ले लूँगा। तो गाइस, देख लें कुछ इस तरह का ऐसे वीडियो है। सबसे पहले इस वीडियो का हम साउंड बंद कर देंगे, वीडियो पर ऐसे क्लिक कर देंगे और यहाँ साउंड वाले ऑप्शन में चलेंगे और इसको बंद कर देंगे। गाइस, बंद करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले वीडियो में स्टार्टिंग में हम लोग स्लोमो लगाए थे, अब इस वाले वीडियो में हम लोग फास्ट मोशन लगा देंगे, तो यहाँ से स्पीड कंट्रोल में चलेंगे और इसको यहाँ से मैं खींच के
1.0 ऐसे कर दे रहा हूँ, 1.5 कर दे रहा हूँ, सॉरी 1.5 आपको कर देना है तो देख लेंगे आपकी वीडियो कुछ इस तरह का हो जाएगी। चलिए एक बार मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ, देख लेंगे जैसे मैं ऐसे जंप करके ऐसे कुछ आगे जा रहा हूँ फिर इस तरह ऐसे हो रहा हूँ तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको कुछ इस तरह का ऐसे वीडियो बना लेना है। सो गाइस देख लेंगे हम लोग कंप्लीटली इस तरह का ऐसे वीडियो बन गया। सो गाइस इसके बाद हमें एक म्यूजिक लेना है टिकटॉक का, तो उसका हम ऑडियो रख लेंगे, वीडियो डिलीट कर लेंगे, तो म्यूजिक हम ले लेंगे। तो लेयर वाले ऑप्शन में चलेंगे, मीडिया के ऑप्शन में चलेंगे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मैं वहाँ से टिकटॉक वाले वीडियो में ले लेता हूँ। गाइस वीडियो लेने के बाद यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा हम लोग का एडजस्ट ऑडियो का, गाइस इस पर ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग का ऑडियो अलग वीडियो अलग हो गया। इसके बाद हम लोग वीडियो पर ऐसे क्लिक करके इसका हम वीडियो डिलीट कर देंगे। सो गाइस देख लें कुछ इस तरह कैसे हम लोग का वीडियो फाइनली बन के तैयार हो गया। सो गाइस फाइनली बनने के बाद यहाँ से आपको शेयर वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, शेयर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना रेस्यू मेंटेन करने के बाद गैलरी में सेव कर देंगे और सेव करने के बाद हम लोग इसे टिकटॉक पर अपलोड कर देंगे। सो गाइज आई होप कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो वीडियो बनाना सीख गए होंगे गाइज। तो आप भी कुछ इस तरह कैसे टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं और उसका ट्यूटोरियल चाह रहे हैं गाइज, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगा। गाइज अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हैं तो ये मेरी इंस्टा आईडी मेरे को यहाँ से फॉलो कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर हरदम एक्टिव रहता हूँ और आपका प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आप मैं इंस्टाग्राम पर बताता रहता हूँ। सो गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो क्या करो यार, अभी का भी वीडियो को लाइक कर दे गाइज। इस वाली वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं फ्यूचर में ऐसे अच्छे वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको मिस ना कर पाएं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।